स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस। इस वीडियो में भी हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बताएंगे, जो कि कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो फैक्टोरियल पे बेस्ड होंगे। तो हम पहले ये जाने कि फैक्टोरियल होता क्या है ये अगर जान जाए तो हम प्रश्न को अच्छी तरीका से बना सकते हैं। कोई भी नंबर्स n लिखा हुआ है तो इसको हम फैक्टोरियल अगर ऐसे लगा दे, ये सिंबल लगा दे तो ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या फिर n को ऐसे लिख दे तो ये फैक्टोरियल हो जाता है। अब ये सिंबल्स तो जाने, अब हम फैक्टोरियल का पूरा कॉन्सेप्ट जाने, फैक्टोरियल होता क्या है। कोई भी नंबर्स n लिखा हुआ है, इसका फैक्टोरियल ऐसे अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है n से शुरू करना है, जो नंबर लिखा हुआ है उसी से शुरू करना है और मल्टीप्लिकेशन देना है, एक घटाते हुए कंटिन्यूसली घटाते हुए जाना है, इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 इंटू वन तक जाना है कंटिन्यूसली। एक और कॉन्सेप्ट है, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, ये याद रखिएगा, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन होता है और वन का फैक्टोरियल भी वन होता है। इसी तरह से फैक्टोरियल दो हम बताए कंटिन्यूसली एन से, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है तो हमको दो से शुरू करना है, एक घटाते हुए एक तो दो हो जाएगा। इसी तरह से तीन का फैक्टोरियल हम निकालें तो तीन से शुरू करना है और दो एक घटाते हुए एक तक जाना है तो ये छः हो जाएगा। चार का फैक्टोरियल निकालें तो चार हमको लिखना है, जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है वहीं से शुरू करना है, एक घटाते हुए जाना है, चार तिया बारह दूनी चौबीस, इसका फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हो गया। चार से ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे वो हमेशा चार से डिविजुअल होंगे। पाँच का फैक्टोरियल हम निकालें, पाँच चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, पाँचों का बीस या साठ दूना 120, इसका वैल्यू हो गया। हम छः का फैक्टोरियल निकालें तो छः से शुरू करना है, पाँच चार तीन दो और एक, तो छः पाँच तक का फैक्टोरियल का वैल्यू अभी निकाला 120, तो 6 और 120 हम इसको यहाँ लिख देंगे, 0 2 720 इसका हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टोरियल आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न को बनाते हैं कि प्रश्न अगर फैक्टोरियल यूनिट डिजिट के प्रश्न में आ जाए फैक्टोरियल तो उसका क्या होता है। क्वेश्चंस इस प्रकार से है, 43 लिखा हुआ है नंबर्स, इसका पावर दिया हुआ है 34 फैक्टोरियल, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी 34 का हम फैक्टोरियल निकालें 34 का, तो 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू डॉट डॉट करते हुए हमको एक तक जाएंगे तो कहीं कहीं इसमें चार भी आएगा, तीन भी आएगा, पांच भी आएगा, तो ये 34 का जो फैक्टोरियल है वो चार से पूरा डिविजुअल हो जाएगा, ये नंबर चार से पूरा डिविजुअल हो जाएगा। तीन वाले केस में जब नंबर पावर चार से पूरा डिविजिबल हो तो हमको तीन का पावर, यूनिट डिजिट तीन है, इसका पावर चार देखना है। तीन का पावर चार में वाले केस में यूनिट डिजिट एक हो जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं यूनिट डिजिट एक हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 49 तक गया है, इसका यूनिट डिजिट
क्या होगा ये निकाल रहा है। फैक्टोरियल वन का वैल्यू वन होगा, फैक्टोरियल दो का वैल्यू दो होगा, फैक्टोरियल तीन का अभी निकालने के लिए बताए तीन इंटू दो इंटू एक, तो ये छ हो जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल चार आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए लिखा हुआ ये 49 तक, फैक्टोरियल 49 तक लिया। चार का अभी निकाले फैक्टोरियल चार, तो चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, चारतिया बारह दुना चौबीस, चौबीस। तो यहाँ पे हम इसका यूनिट डिजिट से ही हमको सिर्फ काम है, तो यहाँ पे हम चार लिख लेते हैं। जैसे ही हम पांच फैक्टोरियल की बात करें तो पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, पांचों का बीस या साठ दुना 120। अगर फैक्टोरियल में पांच से ऊपर, पांच को लेके पांच से ऊपर जहां भी जितने भी फैक्टोरियल है उसका यूनिट डिजिट हमेशा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा जीरो होता है। यहां से जितने भी नंबर्स आएंगे डॉट डॉट सारे के यूनिट डिजिट जीरो हो जाएंगे। तो अब ये चार तक ही जो फैक्टोर एक दो तीन और चार, ये चार तक जो फैक्टोरियल है इसी के यूनिट डिजिट पे ही यूनिट डिजिट का निर्धारण होगा। तो दो एक तीन, तीन छ चार दस, यहाँ से तेरह आ गया तो इसका यूनिट डिजिट तीन हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आठ 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 बिरानवे तीन पाँच प्लस दो दो दो, इसका है बिरानवे तीन पाँच फैक्टोरियल प्लस नाइन नाइन नाइन, इसका दिया हुआ है नाइन 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 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ छूट गया एक प्लस सिक्स 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 फैक्टोरियल नाइन टू थ्री फाइव, इसके बाद ये लिखा हुआ। तो हम देखें नाइन टू थ्री फाइव, तीन फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल लिखे होंगे, तीन फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो हमेशा चार से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ चार से डिविजिबल हो जाएंगे तो हमको यूनिट डिजिट इसका आठ है, चार इसका आठ का पावर चार लेना है। आठ के पावर चार वाले केस में यूनिट डिजिट छः हो जाता है, तो इसका यूनिट डिजिट छः आ गया। अब टू टू टू, ये भी चार से, ये नंबर्स तीन से ऊपर वाला फैक्टोरियल है, तीन से आगे का फैक्टोर नंबर्स है नाइन टू थ्री फाइव, तो ये भी चार से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको भी दो का पावर हम चार लिख सकते हैं, दो का पावर चार वाले केस में यूनिट डिजिट छ होता है। छ का कोई भी पावर, यहाँ फैक्टोरियल होगा छ का कोई भी पावर आप ले लीजिए, यूनिट डिजिट छ ही होता है। अब ये नंबर्स फैक्टोरियल नौ नौ नौ, ये लिखा हुआ है इसको हम नौ 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 इंटू नौ 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 आठ इंटू नौ 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 सात डॉट डॉट करके हम एक तक लिखेंगे, तो ये नंबर हमेशा इवन आएगा। इवन नंबर आएगा तो नाइन वाले केस में प्लस छ का कोई भी पावर हो तो ये यूनिट डिजिट छ ही देता है। नौ वाले केस में अगर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट इवन आता है। यहाँ से छ त्रिक अठारह प्लस वन तो ये उन्नीस, तो यूनिट डिजिट नौ हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अभी हम बताए थे फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी लिखता है, लिखा जाता है फैक्टोरियल दो है इंटू फैक्टोरियल थ्री है इंटू फैक्टोरियल फोर है इंटू डॉट डॉट करते हुए फैक्टोरियल ये हंड्रेड तक दिया हुआ है। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट
क्या होगा? तो फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है इनटू 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 4 × 12 = 24, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20 = 60 × 120, 120। अब ये हम देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है जो 100 तक 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। और एक बार अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज में कहीं भी जीरो दिख जाए तो वो हमेशा उसके यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और ये 1 से लेके 100 तक के सीरीज में मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो यहां पे यूनिट डिजिट जीरो आएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 98 का फैक्टोरियल है और इसको 33 के 13 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया हुआ है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो इसको हम 98 × 97 × 96 ……… हम इसको 13 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन 13 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस वाले केस में यहाँ 95 दिख जाएगा। 5 और 2 का जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन दिख जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हो तो जीरो आता है। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, 33 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 का फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 × 32 × 31 × 30 का फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ 30 का फैक्टोरियल दिया, इसको कैंसिल कर दिए, यहाँ 3, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 2, यहाँ 1, तो 3 × 6, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अब इस प्रकार के प्रश्न में हमको देखना है कि फैक्टोरियल जो है पावर में हो तो 3 से आगे का अगर फैक्टोरियल हम दिया हुआ है प्रश्न में तो हमेशा 4 पावर लेके सॉल्व करना है, क्योंकि 4 और 4 से आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमेशा 4 के मल्टीपल होंगे फैक्टोरियल वाले केस में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये आज का लास्ट प्रश्न है, 99 + 2 × 98 + 3 × 97 + 4 × 96 + …99 = 1 दिया हुआ है। तो हमको इस नंबर का यूनिट डिजिट पता करना है। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है और 1 का कोई सा भी पावर हम ले ले तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और ये नंबर 3 से बड़ा फैक्टोरियल है तो ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा। जब 4 से डिवाइड होता है पावर तो उस केस में हम यहाँ 2 आएगा, 2 का पावर 4 वाले लेते हैं तो
दो का पावर चार ले लेते हैं एक बार, तीन का फैक्टोरियल छह होता है और छह का कोई भी पावर हो ये छह ही इसका यूनिट डिजिट आता है। अब चार वाले केस में इसका फैक्टोरियल हम निकाले तो चार का फैक्टोरियल तीन इंटू दो, चार इंटू तीन इंटू दो इंटू वन, चार किया बारह दुना चौबीस यानी चार का, और चार का ये इवन होगा, चार से आगे जितने भी नंबर फैक्टोरियल के होते हैं वो इवन होते हैं, चार का इवन अगर रहे तो यूनिट डिजिट छ आता है। और इसके बाद चार से आगे जैसे ही हम पाँच करेंगे, पाँच फैक्टोरियल हम निकालेंगे तो पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, तो ये पाँचों का बीस दिया सात दुनी एक सौ बीस। फैक्टोरियल में एक बार एक नंबर अगर पाँच जीरो दे दिया, छठा अगला नंबर जो छः फैक्टोरियल हम निकालेंगे वहाँ भी यूनिट डिजिट जीरो आएगा, सात फैक्टोरियल हम निकालेंगे वहाँ भी यूनिट डिजिट जीरो आएगा, तो इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। तो एक प्लस दो का पावर चार वाले केस में यूनिट डिजिट छ होता है, प्लस छ प्लस छ छत्री का अठारह एक उन्नीस, तो यहाँ यूनिट डिजिट नौ हो गया। अब आपको लास्ट इतने कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के बाद हम एक लास्ट आपको ट्रिक दे रहे हैं, अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो क्या करना है। अगर पावर में दो फैक्टोरियल दिया है तो हम इसको दो लिख सकते हैं, तीन फैक्टोरियल दिया है तो तीन इंटू दो इंटू एक यानी कि छ, चार फैक्टोरियल या चार से ऊपर कोई भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा हो तो आप ये समझे, ये रट लें, याद कर ले, दिमाग में बैठा लें कि ये चार से डिविजिबल है और हमको पावर में चार वाले केस लेकर सॉल्व करना है कि चार वाला केस क्या होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल वाले केस में, फैक्टोरियल वाले केस में प्रश्न आते हैं एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर आते हैं, आप यहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो से। अब यूनिट डिजिट का जो है एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, पावर, पावर के ऊपर पावर वाला केस, इस केस के लिए अगली वीडियो में हम वो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे कि यूनिट डिजिट में अगर पावर वाले केस में रहे तो हम कैसे प्रश्न को